Hello everyone, welcome back on my channel Study Mantra with Sachin sir. Today we are going to discuss about an important topic, integrity constraint from DBMS. So let's start. So सबसे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि what is constraints? Constraints को कहा जाता है, constraints are the set of rules. कि कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसे रूल हैं जिनको enforce किया जाता है हमारे डेटाबेस. Integrity constraints are the set of rules that is used to maintain the quality of information. कि जो हमारी information है, जो हमारा data है, उस data की quality को maintain करने के लिए हम integrity constraints का use करते हैं. Another term में अगर कहें, तो integrity constraints are used to protect our data against accidental threats or intentionally threats. मतलब कुछ या तो किसी ने जानबूझकर हमारे डेटा को कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो या फिर एक्सीडेंटली हमारे डेटा को लॉस होने की कुछ कंडीशंस हो. तो इन दोनों ही टर्म में, चाहे एक्सीडेंटली हो चाहे वो इंटेंशनली हो, इन दोनों ही टर्म में हमारे डेटा को कोई नुकसान ना पहुंचे, उसके लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स का. तो ये जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं, इनकी कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी होती हैं, जो ये चार कैटेगरी यहां पर दी हुई हैं. फर्स्ट वन डोमेन कंस्ट्रेंट, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट और की कंस्ट्रेंट. तो ये इन्हें समझने से पहले ये जरूरी है, एक टेबल को देखकर हम समझ लेते हैं कि डोमेन क्या होता है, एंटिटी क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होती है, टपल क्या होती है. तो इनको पहले जानना बहुत जरूरी. चलिए, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन अ टेबल. तो हमने एक टेबल ली और उस टेबल के अंदर कुछ डेटा हमने फिल कर दिया. इस टेबल का नाम था स्टूडेंट. यहाँ कुछ फील्ड थे, कुछ एट्रीब्यूट हैं, जैसे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट स्टेटस. इसको हम एट्रीब्यूट नेम भी कह सकते हैं और इनको हम फील्ड नेम के नाम से भी जानते हैं. अब यहां मैंने दिया हुआ है डोमेन. डोमेन मतलब इन फील्ड की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होंगी. जैसे क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी, डोमेन उनकी वो उन करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है. जैसे इसका कुछ डेटा टाइप होगा कि वो या तो स्ट्रिंग टाइप के होंगे या फिर इंट टाइप के होंगे. तो ये इनका जो डेटा टाइप है ये अपने आप में यूनिक होगा. इसके अंदर जितना भी डेटा आएगा वो सारा का सारा डेटा टाइप इन में से ही रिलेटेड होगा, जो भी हम एक बार इस डोमेन को डिफाइन कर देंगे. जैसे अगर मैंने इसको स्ट्रिंग दे दिया तो सारी वैल्यूज जो थी वो स्ट्रिंग टाइप की ही आएंगी. ये डिफाइन करने के लिए हम बताते हैं डोमेन को. उसके बाद टपल क्या होते हैं, जो हमारे पास रोज हैं, जैसे यहां पर ये फोर रोज हैं मेरी, इन रोज को ही हम बोल देते हैं टपल. और टपल या फिर रोज की कार्डिनलिटी होती है. कार्डिनलिटी मतलब कितनी, उनकी जो नंबर ऑफ काउंटिंग होगी. यहां नंबर ऑफ रोज है हमारी फोर, तो कार्डिनलिटी हमारी होगी फोर. इसी टाइप से कॉलम की भी कुछ वैल्यू होंगी. तो जो कॉलम होते हैं उन्हीं कॉलम को हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं. जैसे कॉलम नेम को हमने कहा था कि फील्ड नेम या फिर एट्रीब्यूट नेम. तो ये जो कॉलम है इन कॉलम की भी कुछ नंबर्स होंगे, जैसे 1, 2, 3. तो यहां पर हमारे पास 3 कॉलम है. तो 3 कॉलम है, इसका मतलब इसकी जो डिग्री है वो 3 है. तो हमसे कई बार पूछ लिया जाता है टेबल की कार्डिनलिटी कितनी है और टेबल की डिग्री कितनी है. तो इस टेबल की कार्डिनलिटी हो गई 4 और डिग्री हो गई 3. तो ये रिप्रेजेंटेशन थी हमारी एक सिंपल टेबल की. इसके बाद अब हम समझ लेते हैं डोमेन कंस्ट्रेंट्स को. चलिए, तो डोमेन कंस्ट्रेंट्स का डिस्कस करते हैं. डोमेन कंस्ट्रेंट्स कैन बी डिफाइन एज अ वैलिड वैल्यू इन एट्रीब्यूट. की उस एट्रीब्यूट के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी वैल्यूज वैलिड होनी चाहिए. अब वैलिड की क्या डेफिनेशन होगी, वैलिड की डेफिनेशन के लिए हम कहते हैं कि ये जो जितने भी यहां पर डोमेन थे, जो भी एट्रीब्यूट थे, उनका कुछ हमने डेटा टाइप डिफाइन किया होगा. जैसे स्टूडेंट आईडी के लिए हमने कहा इंटीजर, स्टूडेंट नेम के लिए हमने कहा स्ट्रिंग है ये क्योंकि इसमें सारे नाम है, स्टूडेंट सेमेस्टर के लिए हमने कहा कि इंटीजर वैल्यू आएगी और वैसे स्टूडेंट एज के लिए हमने कहा कि कोई इंटीजर वैल्यू आएगी. अब ये हम यहां से एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि द वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट मस्ट बी अवेलेबल इन डोमेन. कि जो वैल्यूज हैं बस वही वैल्यू अवेलेबल होनी चाहिए, उसके अलावा अगर कोई वैल्यू है तो वो वहां पर एरर थ्रो करेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. जैसे स्टूडेंट एज के लिए हमने कहा कि इसका डेटा टाइप इंटीजर है, लेकिन जब हमने वैल्यू एंटर की तो यहां पर मैंने एक वैल्यू 20 दे दी. अब ये 20 हमें पता लग रहा है कि ये स्ट्रिंग टाइप की है, जबकि इसका जो डेटा टाइप था वो इंटीजर था. तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, यहां पर एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा. इसका मतलब यहां पर 20 की जगह हमें इस 20 को हटाकर यहां हमें देना पड़ेगा 20.
तो इसी को अगर हम एक दूसरे एग्जांपल से समझें, तो जैसे हमने कहा कि मैंने कोई स्टूडेंट सेमेस्टर नाम का यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लिया था और यहाँ मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया, जबकि जो इसकी प्रॉपर्टी रखी गई थी टेबल बनाते टाइम वो थी नॉट नल। तो इसको कैसे चेक करेंगे, जैसे हमने कहा क्रिएट डोमेन स्टूडेंट सेम चेक वैल्यू नॉट नल, तो ये क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कि इस डोमेन के अंदर कोई वैल्यू नल ना हो, जबकि यहां पर ये वैल्यू नल है, तो इसका मतलब ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हमें यहां पर कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। तो जस्ट सपोज हमने यहां पर दे दिया सेकंड, तो ये इस टाइप से इसको हम बोल देते हैं ओवरऑल डोमेन कंस्ट्रेंट्स। तो अब डिस्कस कर लेते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स का। एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स रिप्रेजेंट प्राइमरी की वैल्यू कैन नॉट बी नल, बिकॉज प्राइमरी की वैल्यू इज यूज टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर रो, कि किसी रो की वैल्यू को अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो तो हम प्राइमरी की हेल्प लेते हैं। एग्जाम्पल के भी यहाँ पर समझ लेते हैं, जैसे हमने कोई टेबल ली, टेबल में प्राइमरी की है हमारी यहाँ पर स्टूडेंट आईडी, ये हमारी प्राइमरी की है। प्राइमरी की हमेशा वही होती है जो वैल्यू हमेशा यूनिक रहे, जो वैल्यू कभी भी ओवरलोड ना हो, मतलब सेम वैल्यू को दो बार हम वहां पर नहीं रख सकते। अब 101 के बिहाव पर हम इस स्टूडेंट का नेम भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एज भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेम वैसी 102 के बिहाव पर हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर इसकी वैल्यू नल हो जाएगी प्राइमरी की तो हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, जो हमारा सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि इफ प्राइमरी की इज नल वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर रो, कि ये जो रो थी इसको आइडेंटिफिकेशन देने में प्रॉब्लम होगी, हम उसको आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते, तो हम कभी भी यहां पर नल नहीं छोड़ सकते। नॉट नल होगा, प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू, यही होती है हमारी एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। और इसके अलावा जैसे यहां तो हम नल नहीं छोड़ सकते, मतलब यहां तो हमें कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, लेकिन इसके अलावा जो होते हैं, इसके अलावा अगर ये कोई की नहीं है तब हम यहां पर ब्लैंक प्रोवाइड करा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब डिस्कस कर लेते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या तो आपसे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स पूछा जाएगा पूरा का पूरा जो हम टॉपिक चल रहा है हमारा, या फिर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी तो आपसे 110% एग्जाम में पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर के पेपर्स में लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो कई टाइप से बनता है, जैसे हाउ वी अचीव रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, व्हाट डू यू मीन बाय रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स डिफाइन बिटवीन टू टेबल्स, कि जब हमारे पास दो टेबल होंगी तभी हमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की जरूरत पड़ती है। इसके कुछ टर्म एंड कंडीशन है, वो क्या है कि इफ अ फॉरेन की इन टेबल वन रेफर्स टू द प्राइमरी की इन टेबल टू, देन एवरी वैल्यू ऑफ फॉरेन की इन टेबल वन मस्ट बी नल, या तो इसके अंदर रिप्रेजेंट जितनी भी वैल्यूज हैं या तो वो नल होंगी, अदरवाइज बी अवेलेबल इन टेबल टू, या फिर जितनी भी यहां वैल्यू है वो टेबल टू में भी रिप्रेजेंट होंगी। अगर ऐसा है कि यहां कोई वैल्यू है और टेबल टू में वो रिप्रेजेंट नहीं हो रही है, इसका मतलब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी अचीव नहीं हो रही है। तो केवल एक ये टर्म आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि यहां जितनी भी वैल्यू है वो वैल्यू आपकी टेबल टू के भी कॉलम में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो वहां रेफरेंशियल इंटीग्रिटी नहीं है। हमने एग्जांपल के बेस पर भी बताया कि हमारे पास कोई टेबल वन है, इसको हमने डिपार्टमेंट को स्टूडेंट डिपार्टमेंट नंबर को हमने कह दिया फॉरेन की, और दूसरी टेबल में स्टूडेंट डिपार्टमेंट नंबर को हमने कह दिया प्राइमरी की। तो यहां पर तीन चीजें थी, वन टू और थ्री, तीन डिपार्टमेंट नंबर थे, लेकिन यहां केवल दो ही डिपार्टमेंट नंबर है, वन और टू, बिकॉज ये जो यहां पर तीन नंबर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट नंबर थ्री ये यहां तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, लेकिन ये यहां पर रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। तो ये डिपार्टमेंट नंबर थ्री इज नॉट डिफाइंड इन प्राइमरी की ऑफ टेबल टू बट डिफाइंड इन प्राइम फॉरेन की इन टेबल वन। तो इसलिए हम यहां पर ये कह सकते हैं कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी अचीव नहीं हो रही है, तो हमें यहां से या तो इसको नल करना पड़ेगा या फिर ये सारी वैल्यू यहां पर प्रेजेंट करनी पड़ेगी, मतलब तीन नंबर के लिए भी एक कॉलम यहां पर हमें ऐड करना पड़ेगा। यही है हमारी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है और एग्जाम में 110% आपसे पूछा जाएगा। कीज आर द एंटिटी सेट दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन
एंटिटी विद इट्स एंटिटी सेट यूनिकली। मतलब अगर किसी एंटिटी सेट से किसी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिटीफाई करना हो तो हम यूज करते हैं की कंस्टेंट्स का। अब की कंस्टेंट्स के टाइम पर यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? टेबल में हम यूनिकली आइडेंटिफाई केवल किसी टर्म पर ही कर सकते हैं, और वो टर्म है हमारे पास कीज। वो कीज मल्टीपल हो सकती है, जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, कैंडिडेट की, तो वो की कोई भी हो सकती है, और एक से ज्यादा की भी हमारी टेबल में हो सकती है। और प्राइमरी की अगर हम बात करें तो एन एंटिटी सेट कैन हैव मोर देन वन की, बट देयर मस्ट बी अ प्राइमरी की, कि टेबल में एक प्राइमरी की होना कंपलसरी है अगर हमें की कंस्टेंट्स को इंप्लीमेंट करना है तब। दूसरी बात, प्राइमरी की मस्ट कंटेन अ यूनिक वैल्यू। मतलब प्राइमरी की में हमेशा जो वैल्यू होंगी वो यूनिक होंगी, वैल्यूज को दोबारा से हम वहां पर पुट डाउन नहीं कर सकते। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल अगर हमने कहा कि ये कोई हमारे पास एग्जांपल है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी मुझे यूनिक दिखाई दे रही है, तो ये क्या हो गई, यहाँ पर हमारी प्राइमरी की हो जाएगी। स्टूडेंट नेम को भी हम प्राइमरी की ले सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लिया, क्योंकि नाम तो स्टूडेंट के एक से ज्यादा सेम नाम हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको प्राइमरी की नहीं बनाया जा सकता। सेम वैसे ही एज को अगर हम देखें तो एज भी ज्यादा बच्चों की एक जैसी हो सकती है, इसलिए इसको भी प्राइमरी की नहीं बनाया जा सकता, लेकिन स्टूडेंट आईडी हमेशा यूनिक होगी और इसीलिए हमने इसको यहाँ पर प्राइमरी की बनाया। अब 1, 2, 3, लेकिन लास्ट पर आप देख रहे हैं कि 102 दोबारा से आ गया, 102 यहां भी था, 102 यहां भी था, इसका मतलब है कि ये यहां पर अलाउ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि की कंस्टेंट्स के रूल के हिसाब से ये यहां पर हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि बिकॉज ऑल रो मस्ट बी यूनिक, और प्राइमरी की का रूल भी यही है, तो इसलिए इसके लिए हम यूज करते हैं कंस्टेंट्स का। तो इसके साथ ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है इंटीग्रिटी कंस्टेंट्स का। यहां से इंटीग्रिटी कंस्टेंट्स आपसे पूछा ही जाता है, और समटाइम आपसे पूछा जाता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, दोनों में से एक क्वेश्चन आना आपके लिए एग्जाम में तय है। और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए घर पर बैठकर, आगे की वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।